सपने में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखना। भक्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि सपने में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखना आपको क्या फल देगा, तो यह पोस्ट आपके लिए ही है। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पंडित भी हैं। और अगर आप सपने में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देख लेते हैं, तो उसका साफ अर्थ है कि अब आपके मन के पाप धुलने लगे हैं, अब आप सनातनी बनने के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात जो गंदे विचार आपके मन को दूषित किए हुए थे, जो नकारात्मक शक्तियां लगातार आपको परेशानियों में धकेल रहे थे, आपका काम बनते बनते रुक जा रहा था, अब आपका मन साफ हो रहा है, आपके मन में बागेश्वर धाम सरकार प्रवेश कर रहे हैं, अब आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। लेकिन आपको भी थोड़ा प्रयास करना होगा। आपको अब शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होगा, लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग करना होगा और सदा सदा के लिए बागेश्वर धाम सरकार का हो जाना होगा। सपने में बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आकर आपको यह संकेत दे रहे हैं कि अगर आप संभलना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, सही मार्ग पर आ जाएं। बागेश्वर धाम सरकार आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप पूर्ण रूप से सनातनी होने के लिए तैयार हैं? अपने मन से यह पूछें। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप जितना जल्दी हो सके बागेश्वर धाम जाकर बालाजी सरकार के दर्शन करें। आपकी कुछ मनोकामना हो तो उसके लिए बागेश्वर धाम के परिसर में नारियल बांधकर अपनी अर्जी बालाजी सरकार से कह दें और पेशी करना प्रारंभ कर दें। अपने जीवन की सारी समस्याएं बालाजी सरकार के ऊपर छोड़ दें। अब से आप बालाजी सरकार के हो गए और बालाजी सरकार आपके हो गए, ऐसा मन में विचार करें और ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का रोज जाप करें। आपका जीवन सदा सदा के लिए सुखमय हो जाएगा।